Hey everybody, this is Amit and this session is all about motivation and inspiration for life, right? कहानियाँ सबको पसंद है ना? चलिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ. इस कहानी से निश्चित रूप से आपके लाइफ में थोड़ा परिवर्तन तो जरूर होगा. आपको पता है एक लड़का था, उसके मतलब इतना ज़्यादा वो जिद्दी था, बदमाश था, वो किसी की सुनता ही नहीं था. उसकी माँ इतना ज़्यादा परेशान हो गई, डॉक्टर के पास ले गई, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई, बहुत सारे लोगों के पास ले गई, बट वो उसके नेचर में, उसके एटीट्यूड में कोई चेंजेस आए ही नहीं. उसको किसी ने कहा कि बहुत दूर एक सेंट है, एक साधु हैं, वो स्पिरिचुअल ज्ञान से सबकी अवधारणाओं को बदल देते हैं. माँ थी, वो लेके गई वहाँ पे, सारी बात बताई बच्चे को. साधु ने कहा कि बच्चे मेरे पास बैठो, चलो अभी कुछ दूर पे हम जाके टहलेंगे, भ्रमण करेंगे और उसके बाद तुम घर चले जाना. बच्चा उनके साथ हो लिया. साधु जी चल रहे थे, बच्चा उनके साथ साथ चला था, कभी हाथ इधर करता, कभी पैर उधर करता, बेचैन था पूरा. तो साधु ने कहा, बेटे वो छोटा सा पौधा है ना, ज़रा उसको उखाड़ दो. तो वो गया, तुरंत एक हाथ से उखाड़ दिया, कहा लीजिए. बहुत खुश था वो कि ही डिड इट. कुछ दूर आगे चलते हुए गया, साधु ने कहा, थोड़ा बड़ा पौधा था, उसके कमर तक था. साधु ने कहा, उसको उखाड़ दो बेटा. वो तुरंत उसको उखाड़ के फेंक दिया. कुछ दूर और गए तो लगभग उस लड़के के हाइट तक का पौधा था. साधु ने कहा, इसको भी उखाड़ दो बेटा. वो गया, दोनों हाथ लगाया, थोड़ी सी ताकत लगी, वो उखाड़ दिया. आगे और गए, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये करवा क्या रहे हैं मुझसे. आगे और गए, थोड़ा और बड़ा पौधा था, मजबूत भी था. साधु ने कहा, बेटे उसको भी जरा उखाड़ दो. तो वो गया, दोनों हाथ लगाया, बहुत ताकत लगी, पूरा पसीना निकल गया, बट ही इरेडिकेटेड डैट, उसको उखाड़ दिया. वो बहुत खुश था, उसने कहा, देखिए मैंने कर दिया. साधु कहे, ठीक है. आगे गए, वो एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना. साधु महात्मा ने कहा, जाओ जरा उसको उखाड़ के लेके आओ. तो लड़का आश्चर्य, साधु की तरफ देखा, फिर मतलब पेड़ की तरफ देखा, कहा पागल हो गए हो क्या? तो साधु ने कहा, क्यों क्यों नहीं उखड़ जाएगा? तो लड़के ने कहा, उतना बड़ा पेड़ है, वर्षों से टिका हुआ है, कैसे मैं उसको उखाड़ पाऊंगा? तो साधु ने अब जो बात कही, जरा ध्यान से सुनिएगा. साधु ने उस बच्चे से कहा, बेटे तुम्हारी बुरी आदतें, तुम्हारा आलस, तुम्हारे काम चोरी, काम को टालते रहना, नकारात्मक सोचते रहना, चाहे जो भी आपके अंदर बुराई है, जितनी जल्दी अगर आप उसको नष्ट कर दोगे, जितनी जल्दी अगर आप उस पर काबू पालोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आप उस पर काबू नहीं पाओगे, अपने बुरी आदतें, अपने बैड कंपनीज, अपने नेगेटिव अप्रोच, आपके आलसपन, आपके काम को टालने रहने की एक्टिविटीज़, यदि आप इसको जल्दी से जल्दी अगर कंट्रोल नहीं करते हो ना, एक बड़ा विशाल पेड़ का रूप ले लेगी और फिर वो नष्ट नहीं होगा, वो काटने से ही जाएगा. मतलब वो पेड़ क्या होगा, उस बड़े पेड़ को काटा जाएगा तभी वो कुछ होगा, यानी कि वो आपके ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगा, वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा. अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अगर लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ करनी ही पड़ेगी. आप किसी भी बड़े ऑथर का, बड़े ही महान व्यक्ति का लाइफ स्टाइल उठा के देखो, विदाउट डिसिप्लिन नो वन कैन डू एनीथिंग. तो उस लड़के को ये बात समझ में आ गई और वो उसी वक्त सारी बुरी आदतों को किनारे रख दिया और आगे चल के वो एक बहुत ही बड़ा आदमी बना. तो आप जो कोई भी देख रहे हो इस वीडियो को, आपकी जो कोई भी निगेटिव आदत हो, आप लिस्ट बनाइए, एक चार्ट बना लो ना, चाहे कैलकुलेशन करो, हाथ पे ही करो, कितनी आपके निगेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आपको निराशाजनक रिजल्ट देती हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं. आप उसको जल्द से जल्द छोड़ दीजिए. मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाला समय, चाहे आने वाला रिजल्ट जो होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि दुनिया बेटा, चाहे बच्चों, चाहे जो कोई भी आप देख रहे हो, वो आपके मेहनत को, आपकी असफलताओं को, आप कितनी बार गिरे हो, ये नहीं देखती है. वो रिजल्ट चाहती है, वो आपकी सफलताओं की कहानी सुनाती है सबको. आप कितनी बार सफलता पाने के लिए गिरे, कितनी चोटें आई, कितने लोगों ने आपको नीचे पकड़ के गिराया, कितने लोगों ने आपको डीमोरलाइज करा, ये दुनिया नहीं देखेगी, वो आपके रिजल्ट को देखेगी.
तो उस बेहतर रिजल्ट को पाने के लिए आप अपने आप के जो भी आदतें हैं वो अभी से अभी ख़त्म कर दीजिए, ताकि आने वाले समय आपके लिए बेहतर से बेहतर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको बड़ी सीख दे जाएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मैं आपसे मिलूँगा, तब तक आप अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, टेक केयर।